बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इन सिफारिशात को अगर देखा जाए तो इनकी स्पिरिट वही है कि जो यहाँ पर अपोजिशन ने भी हुकूमत की रहनुमाई के लिए इस बजट के अंदर नकायस बताए हैं। सबसे पहले मैं इसमें जो उनकी 19 नंबर रिकमेंडेशन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स टू द नेशनल असेंबली दैट द सेल्स टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन टेक्सटाइल सेक्टर एंड देयर पेंडिंग रिफंड क्लेम्स बी क्लियर्ड एट द अर्लीस्ट। ये बात हम हुकूमत को बारहा समझा चुके हैं कि जब जीरो रेटेड स्टेटस दिया गया था एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को, उसका मकसद ये था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी बेहतर हो और वो रिफंड्स के चुंगल से निकले। इसके बहुत मुस्बत नतायज निकलना शुरू हुए थे और हमारे आखिरी हुकूमत के साल में एक्सपोर्ट पाकिस्तान की पिक करना शुरू हुई थी और अब इस बात का अंदेशा है कि हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स लगाया है इससे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स वर्किंग कैपिटल के क्राइसिस में जाएंगे, लिक्विडिटी के क्राइसिस में जाएंगे, रिफंड्स के लिए साल साल भर वो FPR के चक्कर लगाएंगे और उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जिसके लिए हुकूमत ने तकरीबन 157 रुपए तक रुपए को डिवैल्यू कर दिया और एक्सपोर्ट में इजाफा होने की बजाय 1.9% कमी हुई है, तो अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हम ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे अपने बनाएंगे। तो हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि सेनेट की सिफारिश पे कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको जीरो रेटेड स्टेटस बहाल करना चाहिए। इसी तरह जनाब स्पीकर, सेनेट की बहुत एक अहम सिफारिश 35 नंबर पे है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स टू द नेशनल असेंबली दैट द एनुअल बजट एलोकेटेड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन शुड बी इंक्रीज टू द ट्यून ऑफ 50 बिलियन रुपीज। जनाब स्पीकर, हमने अपने बजट में आखिरी साल हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 2018-19 में 47 अरब का डेवलपमेंट बजट मुख्तस किया था, इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे अहम असासा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ पाकिस्तान इज द यूथ ऑफ पाकिस्तान और उनको अच्छी तालीम देने के लिए हमने पाकिस्तान के हर जिले में यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने का मंसूबा शुरू किया था। मैं खुद जाती तौर पे जाके आपके सूबे में नोशकी में कैंपस खोल के आया, पशीन में कैंपस खोल के आया, खुजदार में कैंपस खोल के आया, वट में कैंपस खोल के आया, गवादर में कैंपस खोल के आया, इसी तरह जोब के अंदर कैंपस खुल रहा था, मुस्लिम बाग में कैंपस खुल रहा था, डेरा जमाली में कैंपस खुल रहा था, जो लसबेला की यूनिवर्सिटी है उसको एक्सपेंड कर रहे थे, जो तुर्बत की यूनिवर्सिटी है उसको एक्सपेंड कर रहे थे। जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा जामे प्रोग्राम था जिसके तहत पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को एक्सपेंड किया जा रहा था और अगर आप सेनेट की सिफारिशात देखें तो बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबों पर सिफारिश की है कि बहाल की जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एलोकेशंस और हायर एजुकेशन कमीशन के। जनाब स्पीकर, अगर आप ये देखें, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि ये हुकूमत ने जो सेनेट ने क्यों सिफारिश की है। अब अगर आप ये बजट का सफा नंबर 32 देखें फेडरल बजट का, तो एजुकेशन अफेयर्स खामोश रहे और बात सुने दे। जनाब स्पीकर, ये आप मुलाहिजा कीजिए कि एजुकेशन अफेयर्स एंड सर्विसेज 97 बिलियन से घटा के 77 अरब है, तकरीबन 20 अरब रुपए की कटौती है और ये 20% कमी है। अच्छा, उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन अफेयर्स एंड सर्विसेज। देखिए, हमारे वजीर आजम साहब ने इतनी दफा कौम को ये बताया कि हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए स्कूल से बाहर हैं, तो मुझे ये तवक्को थी कि कम से कम वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये बेड़ा उठाएगी कि यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। और जनाब स्पीकर, आप ये सुन के खुद हैरान रह जाएंगे कि 10 अरब से जो प्राइमरी एजुकेशन का बजट है उसे घटा के 2 अरब कर दिया गया है, यानी कि 72% कमी, 72% प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन की एलोकेशन में कमी। ये क्या हम पाकिस्तान को किसी अंधेरी गार में लेके जाना चाहते हैं? मैं PTI के अरकान असेंबली से कहूंगा कि इसके ऊपर एहतजाज करें, इसके ऊपर वजारत खजाना को मजबूर करें कि तालीम के लिए जो 97 अरब रुपया पिछले साल था उसको बहाल किया जाए और उसमें जो कमी की गई है उसको खत्म किया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन एंड सर्विसेज 12 अरब से घटा के 6 अरब कर दी गई, 46% कटौती कर दी गई। इसी तरह 2 मिनट है, कंप्लीट करें। जो हेल्थ में आ जाए अगर आप, तो हेल्थ में भी ये तस्वीर ऐसी है कि हेल्थ अफेयर्स में 13.8 अरब से घटा के 11 अरब कर दिया गया है। तो सेहत और तालीम में अगर हम कमी करेंगे तो हम पाकिस्तान की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कमिटमेंट्स हैं SDGs की, उन्हें कैसे पूरा करेंगे? हम एक सेहतमंद और एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान कैसा बनाएंगे? तो ये बजट तालीम दुश्मन भी है, सेहत दुश्मन भी है, गरीब दुश्मन भी है, मजदूर दुश्मन भी है, सनअत दुश्मन भी है और पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन भी है। इसी तरह सेनेट में जो उन्होंने और सिफारिशात की उसमें
मैं ये कहना चाहूंगा कि दासू डैम की उन्होंने बात की, इसलिए की कि दासू डैम के लिए तरक्याती बजट में 28% एलोकेशन कम हो गई है। हमने यहाँ पे वजीर साहब की तकरीर सुनी थी कि हम दासू डैम के सारे मसले हल कर देंगे, तो पिछले बजट में उसके लिए 76 अरब था, अब 54 अरब मुख्तस किया गया है, तकरीबन 28% उसमें कमी की गई है। द्यामीर भाषा डैम जिस पर इतनी सियासत चमकाई गई, और मैं समझता हूँ कि हमारे सिवान को एक कमेटी कायम करनी चाहिए जो साबिक चीफ जस्टिस की इंक्वायरी करे कि उन्होंने कौम से इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि तकरीबन 13 अरब रुपए की तशहीरी मुहिम चलाई, 13 अरब रुपए की अपनी पर्सनल पब्लिसिटी की कि मैं डैम बना के जाऊंगा और मैं वहां खेमा लगा के चौकीदारा करूंगा, और 13 अरब की तशहीर करके सिर्फ 9 या 10 अरब रुपया इकट्ठा किया, जिसमें 70% से ज्यादा सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह है जो काट के जमा की गई है, और फिर कहा कि इसका मकसद तो लोगों में शऊर पैदा करना था, डैम बनाना नहीं था। तो जनाबे स्पीकर, उस भाषा डैम के लिए भी हमने अपने दौर में 100 अरब से जमीन खरीदी और 24 अरब उसके लिए बजट में रखे गए थे, तो इस साल द्यामीर भाषा डैम की फंडिंग भी 24 से घटा के 16 अरब कर दी गई है। तो आप अगर पिछली एलोकेशन से उसको घटा के 24 से 16 अरब कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप उसको बड़ी अहमियत देते हैं, तो ये मुनासिब नहीं। फिर आखला बुरहान, आखिरी बात, बलोचिस्तान का जो मगरबी रूट है, खैबर पख्तूनख्वा का मगरबी रूट है, जिसपे हमारा वादा था कि 2018 तक इसे मुकम्मल करेंगे, एक साल तक फंडिंग ना होने की वजह से वो डिले का शिकार हुआ और इस साल बजट में 48% कमी कर दी गई है, यानी कि उसके लिए जो 25 अरब पिछले साल मुख्तस थे उसके मुकाबले में 13 अरब मुख्तस किए गए हैं। ये भी सेनेट की सिफारिश है कि हाकला से बुरहान सड़क के लिए फंडिंग बहाल की जाए ताकि वो 6 महीने के अंदर मुकम्मल हो। इसी तरह जो सखर और हैदराबाद के दरमियान लैंड एक्विजिशन होनी थी उसकी भी फंडिंग घटा दी गई है, ये सूबा सिंध के साथ ज्यादती है और उस मिसिंग लिंक को मुकम्मल होना चाहिए सखर और हैदराबाद के। जी जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब।